असाइनमेंट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट टाइम कर लिया था, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, डाउट क्लियर है, हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ में, क्वेश्चन नंबर 4 में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वी गिवन है, क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी, कब? जब टाइम 2 और 5 है, तो इस वेलोसिटी में एक बार 2 पुट करो v1 आएगा, इस वेलोसिटी में 5 पुट करो v2 आएगा, चेंज इन वेलोसिटी में दोनों को माइनस कर दो आंसर आएगा। और बी पार्ट है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। अब क्योंकि v2 माइनस v1 हम ऊपर निकाल चुके 63 और t2 माइनस t1 5 माइनस 2 आंसर, क्लियर है। और लास्ट पार्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करेंगे d बाई dt, डिफरेंशिएट करके आपके पास क्या आंसर आएगा? 60। तो टाइम को एंड में पुट कर देना, 4 सेकेंड आंसर, ठीक है यहाँ तक? तो ये हमारा पुराना जो एवरेज वेलोसिटीज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज कैलकुलस में किया था वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में बॉडी एक्स एक्सिस में मूव करती है, ये एक्स गिवन है, क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, कैलकुलस नहीं लगाना, डी एक्स बाई डी टी नहीं, वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी है, डेल्टा एक्स क्या है? x2 माइनस x1, डेल्टा टी क्या है? t2 माइनस t1। तो एक काम करो, आप टाइम को पुट करो 0 x में तो x1 आएगा, आप टाइम को पुट करो 1 तो x2 आएगा, तो x2 माइनस x1 t2 माइनस t1 आंसर। और ऐसी क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी 0 से 4, सेम रिपीट करो 0 और 4 के लिए, टाइम ही पुट करना है, तो x1 x2 आएगा 0 और 4 के लिए आंसर। कोई डाउट इसमें? ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 करवाना है, फॉगी डे वाला क्वेश्चन फिर से ट्राई किया होगा। तो इसके अंदर क्या है कि दो कार्स मूव कर रही हैं, एक 72 किलोमीटर पर आर और एक 60 किलोमीटर पर आर, इसको मीटर पर सेकंड में प्लीज कन्वर्ट कर लेना। तो ये एक दूसरे को 80 मीटर पे दिखती हैं, देखते ही ब्रेक लगाती हैं, आपको बताना है कि एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो जहां ये रुके इनके बीच में दूरी क्या रहेगी। तो एक काम करते हैं, पहले इसको रोकते हैं, इसकी स्पीड है इनिशियल कितनी? 20, और इसको रुकने के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या करनी है? 0। तो अप्लाई, और एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों कार्स की -5 गिवन है, तो अप्लाई करो v2 - u2 इज 2as, तो 0² - 20² इज 2 × -5 × s1, तो यहां से क्या आएगा? s1। पहला स्टेप क्लियर है यहां तक? अब ऐसी सेकंड कार कितनी दूरी पे रुकेगी? v2 यानी कि 0² - 50/3 का स्क्वायर इज 2 × -5 × s2, सॉल्व करके क्या आएगा? s2 आ गया। s2 और s1 मिला के 80 को क्रॉस नहीं करता, इसका मतलब एक्सीडेंट तो होगा नहीं, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस बचेगा? 80 में से इन दोनों डिस्टेंसेस को क्या कर देना है? माइनस आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है और कैसे करना है इसे? क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट कितनों का हो गया? हो गया, ठीक है, सेम s3 और s5 सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, 8 में कितनों का हो गया? 8 हो गया। देखो, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आता है, तो आंसर आएगा 35 मीटर पर सेकंड। ब्रॉड टू रेस्ट, रेस्ट का मतलब v = 0, रेस्ट पे आता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है 200 मीटर, कितना टाइम लगाएगा ये कार रुकने में? सिंपल टाइम बताना है। तो मुझे ऐसा लगा बहुत सिंपल है, यू पता है, वी पता है, लगाओ ना, v = u + 80। जब लगाया तो ए तो पता ही नहीं है क्वेश्चन में, टाइम कहां से आएगा? तो एक काम करते हैं, पहले ए निकाल लेते हैं। तो ए निकालने के लिए अप्लाई करो v² - u² = 2as, तो 0² - 35² = 2 × a × s, तो सॉल्व करके पहले ए आ गया, ए नेगेटिव में आएगा क्योंकि कार रुक रही है, रिटार्डेशन है, क्लियर है यहां तक? ए आ गया। अब फिर अप्लाई करो इसी के ऊपर v = u + 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 35 है, एक्सेलरेशन -3 निकाल ली हमने, और टाइम आएगा यहां से 11.4 सेकेंड।
कोई डाउट है इसमें? तो इस बार एक ही क्वेश्चन से बात नहीं बनी, इस बार दो ही क्वेश्चन लगानी पड़ेंगी। कोई डाउट है इसमें? मेथड समझ में आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाँ डाउट है, कितनों का हुआ 9th? एक पार्ट तो हो गया होगा, सारा कर दिया। चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, कार रेस्ट से स्टार्ट होती है, हैज अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एट एनी इंस्टेंट, मतलब एट एनी इंस्टेंट का मतलब कहीं पर भी, किसी भी टाइम पे। तो आपने जब फोटो खींची इसकी कार की, चलती हुई कार की, तो ये बी पॉइंट पे आपको दिखी जिसकी स्पीड क्या थी, 30 किलोमीटर पर आवर, ये वो इंस्टेंट है। तो इस इंस्टेंट पर कोई भी टाइम, मुझे पता नहीं क्या टाइम है यहाँ पे, पर किसी भी जगह पर इसकी स्पीड क्या थी रास्ते में, 30 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो क्या है, 25/3 मीटर पर सेकंड। राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक इंस्टेंट है, ये मैं वर्ड यूज करने जा रहा हूँ इंस्टेंट, ये वो इंस्टेंट है बी पॉइंट जिसकी ये बात कर रहा है। 2 सेकंड लेटर, इसके 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 36 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड। ये भी क्लियर है यहां तक? अब वो कह रहे हैं एंड 2 सेकंड आफ्टर स्पीड इज 42 किलोमीटर पर आर, तो फिर से 2 सेकंड बाद स्पीड क्या है, 42 किलोमीटर पर आर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 35/3 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट इसमें? लेटर नहीं, लेटर का मतलब तो बाद में, हाँ लेटर, हाँ आफ्टर, एक ही बात है, इट्स ओके। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अब वो ये कह रहा है कि अगर वो ऐसे ही अपनी स्पीड को बढ़ाती जाए, यानी कि एक्सलरेट करती जाए, तो बताओ 8 सेकंड और 9 सेकंड पर उसकी स्पीड क्या होगी आफ्टर दिस इंस्टेंट। तो आपने 8 सेकंड बाद वी निकालना है, किस इंस्टेंट से, ए से, बी से, सी से, किससे? 8 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालनी है, कहां से, स्टार्टिंग से, कहां से, बी पॉइंट से, कहां से, सी पॉइंट से, या फिर डी पॉइंट के बाद, डी पॉइंट के बाद नहीं, मैंने स्पेशल मार्क किया इंस्टेंट, उसने भी स्पेशल मार्क किया 30 किलोमीटर पर आर एट एनी इंस्टेंट। तो वो जो इंस्टेंट है वो ये है, तो इस इंस्टेंट से 8 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालनी है। वो तो ये वैल्यू सिर्फ इसलिए दे रहा है ताकि आप एक्सेलरेशन निकाल सको, अदरवाइज को कोई मोटिव नहीं है इन पॉइंट्स का, वो सिर्फ अपने इस इंस्टेंट पे फोकस कर रहा है, इस बी इंस्टेंट पर उस, तो ये बी पॉइंट क्या है, वो इस इंस्टेंट है जिसकी वो बात कर रहा है। तो इस इंस्टेंट से 8 सेकंड बाद आपको वी निकालना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? पहला पॉइंट समझ में आया? अब ये पार्ट हम बाद में करते हैं, पहले लास्ट पार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए हम एक काम करते हैं, बी से सी का इंटरवल लेते हैं, बी से सी के इंटरवल में सी आपकी फाइनल वेलोसिटी है 25, ये 10 आपकी फाइनल है, 25/3 इनिशियल है, और टाइम कितना है, 2 सेकंड है। तो एक काम क्यों नहीं करते, बी सी के लिए अप्लाई करो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी 10, इनिशियल क्या आएगी 25/3, टाइम क्या आएगा 2, और यहां से a की वैल्यू आएगी 5/6। क्लियर है यहां तक? एक्सेलरेशन आ गई। अब इस इंटरवल की एक्सेलरेशन आ गई, चलो अगले, अब ये जरूरी नहीं ना कि इस इंटरवल की एक्सेलरेशन 5/6 है तो अगले के भी 5/6 हो, क्या पता एक्सेलरेशन चेंज हो जाए। फिर से लगाओ एक बार, ये इसकी इनिशियल सीडी के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है और 35/3 फाइनल वेलोसिटी है। फिर से एक बार लगाओ v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगी इसमें 10, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसमें 35/3। तो फिर से अप्लाई करो v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो फाइनल वेलोसिटी 35/3, इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम 2, एक्सेलरेशन फिर से क्या आ गई 5/6। तो दोनों इंटरवल में एक्सेलरेशन 5/6, और उसने क्वेश्चन में क्या कहा, इफ इट कंटिन्यूज टू एक्सेलरेट लाइक दिस, यानी कि इसी तरीके से एक्सेलरेट करती रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में कांस्टेंट है। कितना, 5/6 5/6 5/6 5/6। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, एक आंसर आ गया, आखिरी पार्ट की एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 5/6। ये क्लियर है यहां तक? एक आंसर आ गया, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस इंस्टेंट से,
ये जो बी पॉइंट है, इस इंस्टेंट से, ये जो इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट से ठीक 8 सेकंड बाद मैं क्या निकालना चाहता हूं, वेलोसिटी। यही क्वेश्चन है, 8 सेकंड बाद वेलोसिटी। अब मुझे एक चीज पता है कि इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी है, 25/3। फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, टाइम मुझे पता है, और पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन कितनी रहेगी, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्यों ना अप्लाई किया जाए वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v आपको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी पूरे के लिए क्या लेंगे, 25/3, एक्सेलरेशन की जगह 5/6 इनटू कितना, 8। इसे सॉल्व कर लेना, v की वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगी। मेथड समझ में आ रहा है कि v कैसे निकलेगा इस इंस्टेंट के बाद। तो आपने क्वेश्चन इस इंस्टेंट पे स्टार्ट करना है, इसके 8 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालनी है। इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी इनिशियल है, फाइनल आपको निकालनी है, टाइम आपको 8 गिवन है, एक्सेलरेशन तो इसमें है ही 5/6। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से v आएगा। एक और आंसर आ गया। अगर ये क्वेश्चन में पूछा होता कि 9 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ इस इंस्टेंट के बाद, अब 9 सेकंड के बाद का मतलब क्या है, टाइम को यहां पर अब 8 की जगह क्या पुट करेंगे, 9। आंसर एक और आ जाएगा, 8 की जगह 9 पुट कर दो आंसर। तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक, दो पार्ट्स क्लियर हैं वाले, ठीक, समझ में आ रहा है सबको यहां तक, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट वाज इट्स स्पीड बिफोर, 4 सेकंड बिफोर इट्स स्पीड वाज 30 किलोमीटर पर आवर। वो क्या कह रहा है, जब इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, ये बी पॉइंट है, इससे 4 सेकंड पहले यहां पे कहीं पे कोई गाड़ी होगी, ये वाली, 4 सेकंड पहले आपको क्या निकालनी है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है यहां तक। तो मुझे बताओ कि मैं इसमें क्या लगाऊं, मैं अपनी इक्वेशन इसमें लगा दूं, मुझे ये अगर ये जर्नी में इक्वेशन लगानी है, तो इस जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये फाइनल क्या होगी, 25/3, मानते हो इनिशियल फाइनल। तो इस जर्नी के लिए मैं लगाता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी की जगह कितना, 25/3, और इनिशियल वेलोसिटी तो मुझे निकालनी है, vel लिख लेता हूं, एक्सेलरेशन तो इसमें है ही 5/6, और टाइम क्या है, 4। तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगी, वेलोसिटी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, ठीक। तो ये पॉइंट भी क्लियर है, यहां के बी से डी तक, हाँ ठीक है, हाँ तब भी आंसर सेम आएगा, राइट, कर सकते हो, कोई भी इंटरवल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें ना एक और क्वेश्चन है जो
ये हमने कर लिया था, यही है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था याद है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दे सकती है, अगर आप सारे एरियाज पॉजिटिव लेते हैं तो वो डिस्टेंस देगा, अगर एरिया पॉजिटिव नेगेटिव लेते हो तो डिस्प्लेसमेंट देगा, किया था हमने। ये सेम एरिया वाला क्वेश्चन है, स्लोप वाला हमने किया था, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, डाउट इसमें, डाउट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के अब दो तरीके, अब आपको समझ में आ सकती है बात। एक लंबा तरीका, वो क्या, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कोई अगर ग्राफिकली नहीं करना चाहता तो यू क्या लेगा, जीरो, एक्सेलरेट्स एट कॉन्स्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, तो एक्सेलरेशन अल्फा है, तो डी एक्सेलरेट्स कॉन्स्टेंट रेट बीटा फॉर सम टाइम और फिर रेस्ट पे आ जाता है, तो मैथमेटिकली क्या लोगे, पहले जर्नी लोगे जीरो से लेके, पहली जर्नी लोगे बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई जीरो से और फाइनल उसने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ली वी मैक्स, दूसरी जर्नी लोगे वी मैक्स से फाइनल वेलोसिटी जीरो, इसमें क्या लोगे एक्सेलरेशन कितनी अल्फा, इसमें क्या लोगे रिटार्डेशन कितनी माइनस बीटा, मैथमेटिकली अगर लेना है तो, राइट right? तो इसमें आप इक्वेशन लगाना वी स्क्वायर, क्या मान लो इस जर्नी का टाइम है टी वन, इस जर्नी का टाइम है टी टू और टोटल टाइम कितना गिवन है कैपिटल टी, ऐसे ही मैथमेटिकल अगर करना हो तो, मैथमेटिकल अगर ग्राफिकली नहीं करना तो इसके लिए लगाएंगे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी वन निकाल लेंगे, इसके लिए लगाएंगे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी टू निकाल लेंगे और फिर फाइनली कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या टी वन प्लस टी टू, टी वन टी टू को यहां पुट करके वी मैक्स निकाल लेंगे। अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन तो आती है, आप ऐसा भी कर सकते हो, क्लियर है, और आसान तरीका जिसमें कुछ भी नहीं करना, क्या करेंगे इसमें ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ग्राफ प्लॉट करने में क्या करेंगे कि हम एक काम करेंगे वीटी ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, एक्सेलरेशन अल्फा है, मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स है, फिर बॉडी ने ब्रेक सप्लाई करनी स्टार्ट की, रिटार्डेशन और फिर जीरो पे आ गई, तो इसमें अल्फा एक्सेलरेशन है और वीटी ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है एक्सेलरेशन, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी स्लोप, स्लोप बोलो क्या है वी मैक्स डिवाइडेड बाय टी वन, इसमें स्लोप क्या होगी बीटा इज इक्वल टू वी मैक्स डिवाइडेड बाय टी टू, तो अल्फा इज वी मैक्स बाय टी वन आ गया, बीटा इज वी मैक्स बाय टी टू आ गया, टोटल टाइम कैपिटल टी की बने विच इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, टी वन टी टू की वैल्यूज यहां से उठा के यहां पर पुट कर दें, वी मैक्स कॉमन आ गया, एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी मैक्स की वैल्यू आ गई, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है, वी मैक्स आ गया, अब आपको क्या निकालना है इसमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस क्या होता है वीटी ग्राफ का एरिया, एरिया क्या है इस हाफ इंटू बेस कैपिटल टी इंटू वी मैक्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वी मैक्स ए पार्ट से निकाला हुआ है, यहां पुट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कौन सा मेथड यूज करें, कोई कर लो, ग्राफ क्लिक कर गया तो भी ठीक, नहीं किया तो आपको मोशन की क्वेश्चन तो आती है वहां से कर लेना तो भी आंसर सेम आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल क्लिक नहीं कर पाएगा आपको, आप इतना नहीं कर पाएंगे इसका ग्राफ प्लॉट कर लूं, ठीक है, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन से कर लेना जैसे मैंने भी दिखाया आपको, वी यू प्लस ए टी, वी यू प्लस ए टी, टी वन टी टू निकाल के कैपिटल टी में पुट कर देना, एक ही बात है, जल्दी आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब मैंने आपको क्या बताया था कि अब जो पढ़ाई है उसमें बिल्कुल वैसे ही है कि कोई कैसे इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करता है, कोई छोटी जर्नी करता है जैसे आपने पूरी जर्नी बोली तो भी आंसर सेम है, हो सकता है कोई इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली करे, हो सकता है इस क्वेश्चन को कोई ग्राफिकली करे, हो सकता है कोई इस क्वेश्चन को वैसे ही सोच ले कि कैसे करना है, या आपके ऊपर है आप कैसा सोचते हैं और कैसा देखते हैं, जब प्रैक्टिस से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखेंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन है, मेरे असाइनमेंट के अंदर नहीं है, आखिरी क्वेश्चन है, दिखाना असाइनमेंट, असाइनमेंट देना, देखो एक क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन है, 100 मीटर स्प्रिंटर वाला क्वेश्चन है, राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि कोई 100 मीटर की रेस लगाना चाहता है, स्प्रिंटर है, तो ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो कितने मीटर होगा, 100 मीटर होगा, क्लियर है यहाँ तक,
नेक्स्ट है इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम रेस्ट। चलो एक काम तो आसान हो गया कि यू की वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक, यूनिफॉर्मली स्पीड इंक्रीज करता है और एक्सेलरेशन कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप टू 3 क्वार्टर्स। वो कह रहा है कि इस जर्नी को 3 क्वार्टर में डिवाइड कर लेते हैं। पहले क्वार्टर में ये जो जर्नी है कितनी है, 50 मीटर है। दूसरे क्वार्टर में ये जो डिस्टेंस है ये नेक्स्ट 25 मीटर है, और तीसरे में ये नेक्स्ट 25 मीटर है। ऐसे तो ये 50 मीटर, 25 मीटर, 25 मीटर। देखो ना, अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए भी 50 मीटर हो गया, ए से लेके सी तक 75 हो गया, और सी से लेके डी तक 25। हाँ, 200 मीन्स आखिरी का 25, राइट। तो उसने जर्नी को ऐसे डिवाइड किया। अब वो कह रहा है कि इसमें लास्ट क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 25 मीटर लास्ट क्वार्टर कवर किया विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो लास्ट क्वार्टर में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और इन ए से लेके सी तक एक्सेलरेशन गिवन है कितनी, 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड का। तो यहां तक एक्सेलरेशन होती है, उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन है, आपको निकालना है टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ द रन। मतलब आपको टाइम निकालना है कि फर्स्ट हाफ का मतलब ए से लेके बी तक का टाइम निकालना है, सेकेंड हाफ का मतलब बी से डी का टाइम निकालना है, पर बी से डी के टाइम के लिए आपको बी से सी का अलग टाइम निकालना पड़ेगा और सी से डी का अलग निकालना पड़ेगा, और इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। राइट, क्लियर है? तो क्या गिवन है और क्या निकालना है समझ में आ रहा है? तो अब क्वेश्चन को कितने लोगों ने किया ये क्वेश्चन, ओके अब शुरू करो। पहले आप ए बी लो, ए बी का टाइम निकालो, स्टार्ट करो, ए बी लो और ए बी का टाइम निकालो। अप्लाई कर सकते हो इसमें वी इक्वल टू यू प्लस ए टी या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। देखो कौन सी क्वेश्चन लगेगी, देखो इसमें पहले एक काम करते हैं, ए बी इंटरवल लेते हैं, ए बी में काम करते हैं, अपने को एस पता है, अपने को ए डिस्टेंस पता है, यू पता है, ए पता है, तो अप्लाई करते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। एस की जगह 50 इज जीरो प्लस हाफ इंटू 1 इंटू टी का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 100, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई इसमें, 10, आंसर 10। एक टाइम आ गया आपके पास t1, तो t1 कर लेते हैं, t1, तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक हो गया यहाँ तक। अब टाइम निकालो bc का,
तो एक काम करते हैं, मैं इसमें एसी ले लेता हूँ पूरा, एसी के लिए अप्लाई करता हूँ एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह 75, यू 0 हो जाएगा, हाफ इंटू 1 इंटू टी का स्क्वायर, राइट। अब एक काम करना पड़ेगा, टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 150, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 150, कितना आ रहा है, 12 पॉइंट, देखो जरा कितना आ रहा है, 12 पॉइंट, क्योंकि पिछले बैच में बोला मुझे 12 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए कैलकुलेट किया उन्होंने, तुम भी करो, 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, चेक करना। पॉइंट टू फोर, ठीक है, 12.24 सेकेंड, ठीक है, ये काम की बात हुई, 12.24। अब यहां से यहां तक 12.24 है, यहां से यहां तक कितना है, 10 सेकेंड है, तो फिर ये T2 की वैल्यू क्या आएगी, 12.24 में से 10 को माइनस करेंगे, 2.24 सेकेंड, ठीक हो गया यहां तक, T2 क्लियर है यहां तक, एक और टाइम आ गया, ठीक। अब अपने को आखिरी टाइम T3 निकालना है। अब T3 निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी CD में कांस्टेंट है तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, S इज इक्वल टू VT, एक ही इक्वेशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक ही इक्वेशन लगती है, S इक्वल टू VT, तो S हमें पता है कितना, 25। अगर आप मुझे वेलोसिटी बता दो तो मैं क्या बताऊंगा, टाइम बता दूंगा T3 कितना है, क्लियर है यहां तक। अब यानी कि क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कहां निकालनी है, यहां निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी, क्योंकि जो वेलोसिटी यही होगी वही पूरी जर्नी में सेम होगी। तो एक काम करते हैं, फिर से AC ले लें, AC के लिए अप्लाई करो V इक्वल टू यू प्लस AT, फिर से एक बार AC के लिए लगाते हैं, V इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो V निकालना है AC पे, यू 0, एक्सेलरेशन 1, और ए से लेके सी तक का टाइम हमने निकाल रखा है कितना, 12.24, तो वेलोसिटी क्या आएगी, 12.24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आ गई, सी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी आ गई, 12.24 मीटर पर सेकेंड, जो कि मैं यहां पुट करूंगा 12.24 इंटू T3, तो T3 की वैल्यू आ जाएगी 25/12.24, कितना आ रहा है, तो एग्जैक्टली चेक करके बता दो प्लीज, 2.02। ओके, तो बस ठीक है, अपने पास आंसर आ गया, इसका टाइम क्या है 2.24, इसका टाइम क्या है 2.02, इन दोनों टाइम को हम क्या कर देंगे, ऐड ऐड करके 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है, आंसर जो आएगा आएगा, मेथड समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे कैसे, 2.04, ओके 2.04, ओके ठीक है, मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ना है, धीरे धीरे इसका डायग्राम बनाना है, हर चीज लिखनी है तो ही होगा, अगर ओरली करोगे नहीं होगा, स्टेटमेंट में घूम जाओगे, बार बार स्टेटमेंट पढ़ोगे फायदा ही नहीं होगा। तो आपने नोट किया, हर क्वेश्चन के अंदर मैं डायग्राम जरूर बनाता हूँ स्ट्रेट लाइन का, और मार्किंग करता जाता हूँ किस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है, ताकि बार बार मेरे को क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक।